मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। शिक्षक भर्ती 69,000, एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट देने का आदेश। जी हाँ मित्रों, ये सुनकर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा, एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट देने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दे दिया है और ये बिल्कुल करंट अपडेट है। इस वीडियो में आप साक्ष के साथ देख पाएंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग पूरा वीडियो। इस चैनल से मित्रों आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहती है। साथ ही साथ यदि आप टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी करें तो इसके प्लेलिस्ट से बहुत सारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं पूरी अपडेट क्या है, स्किप नहीं करना है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर कराने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है। इसमें मित्रों मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि 60-65 पे ही होगा, जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें आइडिया है। इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारियाँ पूरी हैं। माना जा रहा है कि एक हफ्ते के बाद, आप यहाँ देख सकते हैं कि माना जा रहा है एक हफ्ते के बाद, अब CM योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी पहल कर दी है। CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 7 दिन में 69,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। CM तो यहाँ देखिए, ये बहुत ही यूजफुल अपडेट थी कि विथ इन 7 डेज, मैंने 7 दिन के अंदर इस भर्ती को शुरू करने का आदेश माननीय योगी जी ने दे दिया है। इसका ये क्लियर हो जाता है कि वो शीघ्र इस भर्ती को कराना चाहते हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ बैठक में अफसरों की टीम को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को सिर्फ 7 दिन में इस बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश। कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के निर्णय से प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है, इससे प्रदेश के सभी विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। तो पहले से ही योगी जी लगे हुए हैं योग्य शिक्षक देने के लिए बेसिक स्कूलों को, और ये देखिए कब तक रंग लाती है। कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी, और बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4.3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 4.1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं वो भी कमर कसे हुए हैं इस भर्ती को समय से पूरी कराने के लिए। प्रसिद्धि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए 1 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी हुआ था। इसी के क्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने 5 दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की थी और शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। लिखित परीक्षा के बाद 7 जनवरी 2019 शासनादेश जारी कर भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65% अर्थात 97 अंक तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60% यानी 90 मार्क्स को उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया। इस शासनादेश के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2019 को शिक्षा मित्रों के पक्ष में याचिका निस्तारित करते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए 2018 में आयोजित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% और 45% के आधार पर परीक्षा फल घोषित करने का फैसला सुनाया। इसी निर्णय को राज्य सरकार ने विशेष अपील के जरिए चुनौती दी, जिसका फैसला बुधवार को उसके पक्ष में आया। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और जो आपके CM साहब हैं, दोनों लोग लगे हुए हैं इस भर्ती को समय से कराने के लिए। तो शीघ्र अतिशीघ्र ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी, और इस तरह का और अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।